भैया आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की और वो है क्रेडिट स्कोर। भाई देखिए, मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और सिविल से आए दिन मेरा पाला पड़ता रहता है। जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप रीपेमेंट चुकाते हैं, आप पेमेंट अपने लोन्स के चुकाते हैं, तो आपके पेमेंट्स को टाइमली करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है कम है तो आपका प्रोबेबिलिटी रीपेमेंट करने की बहुत कम है। देखिए, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन लेने में आसानी होगी, क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी होगी। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी आपको मैसेज आता है कि क्रेडिट स्कोर आपका गिर गया। देखिए, थोड़ा बहुत स्कोर अगर नीचे हो जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है तो उसमें आपके क्रेडिट जो स्कोर है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री का इफेक्ट पड़ता है। जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं एक साथ, अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये एक डाउट पैदा करता है कि आपने अलग अलग, सपोज करिए कि चार दोस्तों को आपने बोला कि भाई 50,000 रुपये मुझे दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट आ जाएगा कि यार ये 50,000 रुपये क्यों मांग रहा है इतनी इमिडिएटली। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये गड़बड़ सिविल स्कोर पर इफेक्ट करता है कि अगर अलग अलग कंपनियों के क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर देते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली क्रेडिट कार्ड आपको एक साथ अप्लाई नहीं करना है। आप क्रेडिट कार्ड लीजिए लेकिन उसमें थोड़ा गैप रखिए, 3 महीने 6 महीने में एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए। ऐसा मत करिए कि आपने एक साथ ही सबके सब क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिए, उसका क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एकदम झटके से आपका जो स्कोर है वो डाउन होता चला जाता है। क्रेडिट कार्ड को धीरे धीरे अप्लाई करिए, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से अप्लाई करिए और होले होले चलिए ना, उसमें इतनी जल्दी करने की नहीं है कोई ज़रूरत कि आपको आज के आज ही सबके सब बैंकों के क्रेडिट कार्ड चाहिए। इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आपने 4 क्रेडिट कार्ड लिए हैं और आप फ्रिक्वेंटली आप जो है उसकी किस्तें नहीं चुका रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। आपने अलग अलग, सपोज करिए कि आपने 4 क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं तो उस चारों क्रेडिट कार्ड में आपने उनकी लिमिट्स पूरी की पूरी यूज़ की हुई है, तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई इस व्यक्ति की जो पूरी की पूरी क्रेडिट है वो ये पूरा यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फंसा हुआ है। तो इस वजह से जो है आपके क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है। और हमेशा क्रेडिट कार्ड की जो भुगतान डेट होती है उससे पहले हमें भुगतान कर देना चाहिए। नेक्स्ट इफेक्ट जो फैक्टर है क्यों इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि जो मैक्सिमम इफेक्ट है क्रेडिट कार्ड का, जो मैक्सिमम लिमिट है, उसको हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, एक और रीज़न है कि देखिए आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है, सपोज करिए सबकी 2.5-2.5 लाख की लिमिट है और आप यूज़ कर रहे हैं 4 क्रेडिट कार्ड पर, क्रेडिट लिमिट टोटल कितनी हो गई 4 क्रेडिट कार्ड की, अगर 2.5-2.5 लाख है तो 10 लाख हो गई, लेकिन अगर आप 5 लाख ही उसमें से यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये लगता है कि भाई क्रेडिट लिमिट 10 लाख दी हुई है 4 क्रेडिट कार्ड की, बट आप 5 ही यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन आप 50% कर रहे हैं। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पर क्लोज कर देते हैं 2 क्रेडिट कार्ड की, भाई मेरे यूज़ में नहीं आ रहे, मैं 5 लाख की ही यूज़ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है, क्योंकि आपकी जहां पर 10 लाख की क्रेडिट लिमिट है और आपने 5 लाख की करी, अगर आपने 2 क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए तो दैट मीन कि आपके 5 लाख की लिमिट बची, आपने 5 लाख यूज किया हुआ, दैट मीन कि आपने 100% अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो लिमिट है वो यूज की हुई है, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो देखिए, यूटिलाइजेशन जो है हर समय आपका भारी रहेगा तो उसकी वजह से भी जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है उस चीज के ऊपर। इसके अलावा देखिए, जो कभी कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई इनएक्यूरेट या इन्फॉर्मेटिव कहीं दूसरी जगह से आ जाती है कि आपने टाइमली पेमेंट किए हैं बट किसी कारणवश जो है आपके क्रेडिट कार्ड में ऐसा लिखा आ रहा है कि आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को मिस किया है या लोन की ईएमआई को मिस किया है या आपने उनको पे तो कर दिया है बट वो अनपेड लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो सकता है सिबिल के अंदर, तो उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं दिख सकता है। लेकिन अभी होता क्या है कि इसके अंदर आपको बता रहा है कि भाई ये चार्जेस लग गए हैं और वो आप पे भी नहीं कर पा रहे हैं, और जबकि वो नेगेटिव
इफेक्ट भी दिखा रहा है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हम सिबिल के साथ शेयर कर सकते हैं। सिबिल की वेबसाइट पर जाकर ये कंज्यूमर फोरम के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हम ये लिखित में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमने ये रिक्वेस्ट, हमने ये पेमेंट कर दिया है, ये पेमेंट हम चुका चुके हैं, फिर भी वो हमारे सिबिल के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो सिबिल के स्कोर को इफेक्ट करता है। तो इस सिबिल के स्कोर को बढ़ाने के लिए अब देखिए जो फैक्टर्स थे कि सिबिल स्कोर क्यों कम हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। बट हम सिबिल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला है कि टाइमली अपने को रिपेमेंट करना है, अपनी 100% लिमिट्स को कम से कम यूज करना है, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी ईएमआईज हैं या आपके क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स है, अगर हम उन्हें थोड़ा सा एडवांस में कर दें, अगर सपोज करिए ड्यू डेट आपकी 28th ऑफ एवरी मंथ है, तो आप कहीं ना कहीं 25 तारीख को डाल दें, क्योंकि जब 30 तारीख को आपकी सिबिल जनरेट हो तो उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो जीरो दिखाई दे, तो इससे भी आपका स्कोर बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आजकल देखिए प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं गोल्ड लोन की सुविधा देते हैं। तो आप एक छोटा मोटा 20,000 25,000 50,000 का एक गोल्ड लोन ले लीजिए, उसको इमीडिएटली विद इन 6 मंथ आप क्लोज कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है। तो ये आज की जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसमें सिबिल पर हमने पूरी तरीके से चर्चा की है, क्या फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इस चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।